ओम नमः शिवाय, जय भोलेनाथ, जय शिव शंभू। चलिए जानते हैं कब करें शिवलिंग के दर्शन और पूजन, जिसके साथ में आपके हर काम बिगड़े हुए बनने लगेंगे, हर काम में आपको सफलता मिलेगी। जो आपका काम बिगड़ा हुआ है, जो आपको पूरा नहीं हो रहा है, हर बाधा आपकी घर की दूर होगी, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होगी, आपके किसी भी काम करने में जो रुकावटें आ रही है वो सब रुकावटें आपकी दूर होगी। बाबा हमारे शिवलिंग पर यदि किस समय दर्शन करने चाहिए ये हम आपको बताएंगे। शिवलिंग के दर्शन जब सुबह हम उठते हैं, यदि हम किसी और वस्तु को देखे बिना यदि शिवलिंग के हम दर्शन करते हैं तो हमारे सारे कार्य पूर्ण होते हैं, रुके हुए सभी कार्य पूर्ण होते हैं, हमारी मनोकामनाएँ पूर्ण होती है। बाबा भोलेनाथ देवों के देव महादेव है, अपने भक्तों पर शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं, उनकी सभी बाधाएं दूर करते हैं, अति शीघ्र से शीघ्र ही वो उनकी बाधाएं मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। आपको पूजन किस समय करना है? दोपहर के 12 बजने से पहले शिव पूजन, शिवलिंग पूजन हो जाना चाहिए, कर लेना चाहिए। चतुर्दशी के दिन रात्रि में पूजन करना बहुत ही अभिष्ट फलदायी माना जाता है। शिव चौदस को जो भक्त रात्रि यानी मध्य रात्रि में शिवलिंग का पूजन करता है, दर्शन करता है, उसको अभिष्ट फल की प्राप्ति होती है, ये शिव पुराण कहती है। शिव पुराण कहती है कि शिवलिंग की पूजन करना बहुत ही अभिष्ट फल की प्राप्ति होती है, बहुत ही अच्छा माना जाता है। यदि शिवलिंग का पूजन सुबह सूर्य निकलने से पहले और रात्रि में हम करते हैं तो इससे हमें 100 गुना फल की प्राप्ति होती है। पूजन हम घर पर, देवालय में, मंदिर में अथवा नदी तट पर शिवलिंग जो स्थापित है उस पर हम कर सकते हैं, हमें अति आपकी हर मनोकामनाएं पूर्ण होगी। बाबा भोलेनाथ सबकी मनोकामना पूर्ण कर। यदि आप भी शिव भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में प्लीज ओम नमः शिवाय लिखना ना भूले। ओम नमः शिवाय, जय शिव शंकर, जय शंभू, जय शिव शंभू, हर हर महादेव।